कश्मीर के राजौरी में आतंकी हमले में आगरा के कैप्टन शुभम गुप्ता सीमा पर शहीद हो गए। आपको बता दें कि कैप्टन शुभम 2015 में सेना में भर्ती हुए थे और देश की सेवा करते करते 7 साल बाद कैप्टन शुभम गुप्ता देश के लिए शहीद हो गए। पूरे परिवार के साथ उनकी मां भी गहरे सदमे में है। इसी बीच आगरा के कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय शहीद कैप्टन के परिवार को 50 लाख रुपए का चेक देते हुए फोटो खिंचाते रहे। गहरे सदमे में पड़ी शहीद की मां मना करती रही कि प्रदर्शनी मत लगाओ, लेकिन फिर भी कैबिनेट मंत्री फोटो खिंचाते रहे। इन मंत्रियों को अपना प्रचार करने से फुर्सत कहां जो एक शहीद बेटे की मां का दुख देखेंगे। मैं नहीं चुप चुप करूँगा।